हेलो स्टूडेंट्स, आई शैलेंद्र रावत वेलकम यू ऑल इन क्लास 12th फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था दैट इज कूलाम्स लॉ। हमने कूलाम्स लॉ क्या होता है, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ एंड व्हाट इज कूलाम्स लॉ इन अ मीडियम, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स को समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेक करें, आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपको कूलाम्स लॉ और समझ में आएगा, राइट? तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे, अ फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5×10⁻¹ कूलाम। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 cm below former ball so that upper ball is stationary, right? तो एक example है हमारे पास, बहुत simple सा एक example है, Coulomb's law पे based। हमारे पास यहाँ पे क्या given है कि we have two pith balls, right? एक pith ball A और दूसरा क्या है, pith ball B, right? पिथ बॉल ए पे चार्ज है 5×10⁻¹ कूलाम, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। और पिथ बॉल ए के ठीक 5 सेंटीमीटर नीचे हमने दूसरी बॉल बी को प्लेस किया हुआ है। इज इट क्लियर? तो पिथ बॉल बी को हम कितना और कैसा चार्ज दे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ताकि जो ये उसके ऊपर पिथ बॉल ए है वो ए बॉल क्या रहे, स्टेशनरी रहे। तो हमें पिथ बॉल बी पे चार्ज निकालना है और उस चार्ज का नेचर फाइंड करना है कि वो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल, इसे करके देखते हैं। फर्स्ट वी हैव गिवन पिथ बॉल ए, मान लेते हैं पिथ बॉल ए है, राइट? इसका मास हमें गिवन है एम, आपको गिवन है 8 ग्राम, क्लियर है? और इस पिथ बॉल ए के सेंटर से ठीक 5 सेंटीमीटर नीचे हम दूसरी पिथ बॉल ले लेते हैं बी, दिस इज सेकेंड पिथ बॉल बी, क्लियर है? और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना, 5 सेंटीमीटर। पिथ बॉल ए पे जो चार्ज है, लेट मान लेते हैं Q1 चार्ज है, एंड दैट इज 5×10⁻¹ कूलाम, राइट? एंड पिथ बॉल बी पे हमें फाइंड करना है कितना चार्ज होगा और कैसा चार्ज होगा, ताकि जो ये ए बॉल है, ये ए बॉल क्या रहे, स्टेशनरी रहे। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट हमें समझना है कि ये स्टेशनरी क्यों रहेगा। आपको पता है कि इसका मास कितना है, 8 ग्राम, और इसका मास 8 ग्राम है तो इसके अपने वेट के कारण, राइट? इसका वेट इसके सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, दैट इज mg। तो मींस इस पिथ बॉल ए पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या है, इसका वेट mg, और इस वेट के कारण ये पिथ बॉल कहां सकती है, नीचे आ सकती है। बट हमें इस पिथ बॉल ए को क्या रखना है यहाँ पे, स्टेशनरी। तो इसको स्टेशनरी रखने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस पिथ बॉल पे जितना भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर हम उतना ही फोर्स इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में दे दें, तो अपवर्ड वाला फोर्स इस डाउनवर्ड वाले फोर्स, मींस इस बॉल के वेट को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, और ये बॉल क्या हो जाएगी यहाँ पे, स्टेशनरी हो जाएगी, राइट? नाउ क्वेश्चन है कि हम इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे फोर्स लगाए, राइट? तो आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर हम पिथ बॉल बी को भी पॉजिटिव चार्ज दे दे, तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये इस ए को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मींस ए पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इज इट क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पिथ बॉल बी को हमें कैसा चार्ज देना है, पॉजिटिव। तो लेट मान लेते हैं हमने इसे कितना चार्ज दिया, Q2, और ये चार्ज कैसा होगा, नेचर में पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पिथ बॉल ए पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स, और ये कूलाम फोर्स ही इस पिथ बॉल ए के वेट को बैलेंस करेगा, राइट? तो हम यहां पे देख सकते हैं कि फॉर पिथ बॉल ए to be stationary, देखो पिथ बॉल ए स्टेशनरी होगा अगर क्या होगा, इफ
force exerted by fifth ball B on fifth ball A equals to weight of fifth ball A, right? कि अगर ये हो जाए कि fifth ball B, इस fifth ball A पे जो force exert कर रही है वो force इस fifth ball के weight के equal हो जाए तो ये ball क्या रहेगी यहाँ पे stationary होगी. Is it clear? तो यहाँ पे क्या बने कि ये ball A stationary होगी अगर force exerted by fifth ball B on fifth ball A. ये जो B ball है जो इस पे force exert कर रही है upward direction में वो इसके वेट के बराबर हो जाए. वेट हमेशा कहां लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड. तो अगर ये F इस mg के इक्वल हो जाए तो पिथ बॉल A क्या होगा? स्टेशनरी. नाउ पिथ बॉल इस पिथ बॉल B इस पिथ बॉल A पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी? तो यहां पे आएगा कूलाम फोर्स. देखो पिथ बॉल A पे चार्ज कितना है? q1. पिथ बॉल B पे चार्ज कितना ले रखा मैंने? q2, राइट? और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 5 सेंटीमीटर. तो जब दो चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पे होते हैं तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स कितना फोर्स होगा? दैट इज 1/4πε0 q1 मींस पिथ बॉल A पे चार्ज इनटू q2 मींस पिथ बॉल B पे चार्ज अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर मींस r स्क्वायर इक्वल्स टू वेट ऑफ पिथ बॉल A. इस पिथ बॉल A का वेट कितना होगा? दैट इज mg. क्लियर? तो नाउ इसको सॉल्व करते हैं. 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹. q1 हमें गिवन है 5 × 10⁻¹⁸. q2 हमको फाइंड करना है, राइट? एंड r दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो r आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, राइट? और इक्वल्स टू m आपके पास है 8 ग्राम एंड g आपको पता है 9.8. क्लियर? ना आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी क्वेश्चंस को करते हैं तो यूनिट सेम सिस्टम के होने चाहिए. मींस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये चार्ज कूलाम में है और यहाँ पे डिस्टेंस किस में? सेंटीमीटर में. या मास किस में है? ग्राम में. तो हमें जो भी ये यहाँ पे यूनिट है इन्हें एक ही सिस्टम में लेना है. सबको हम ऐसा ही सिस्टम में ले सकते हैं, राइट? तो हमें क्या करना होगा? इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा और ग्राम को किस में कन्वर्ट करना होगा? केजी में, राइट? तो इसको सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, देखो 9 × 10⁻¹⁸ × 5 × 10⁻¹⁸ × q2 जो आपको फाइंड करना था ओवर 5 सेंटीमीटर. इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻¹⁪ का होल स्क्वायर बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻², राइट? एंड इक्वल्स टू m मींस यहाँ पे कितना? 8 ग्राम. तो 8 × ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो आ जाएगा 8 × 10⁻³ kg, राइट? ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 ग्राम हैविंग 10⁻³ kg, राइट? into z, that is 9.8, right? Now इसको आप और solve करेंगे. हमको q को find करना है, q2 को find करना है, तो q2 आपके पास आ जाएगा 8 × 10⁻³ × 9.8 × 5 × 10⁻²² का whole square ओवर, देखो 10⁻⁹ है और 10⁻ क्या है? -8. ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 9 × 5 आ जाएगा × 10⁻⁵ (+1), राइट? क्लियर है? ये 10⁻⁹ और 10⁻⁸, जब बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा जस्ट उसके नीचे. इज इट क्लियर, राइट? इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा.
एक फाइव से यहाँ एक फाइव हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो यार 8 × 9.8 × 10 to the power -3 × 5, एक फाइव बच गया था, × 10 to the power -4 over 9 × 10 to the power 1, राइट। इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है 10 की पावर 1 ऊपर चले जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -3 -4 मीन्स 7 और -8, तो हमारे पास आएगा 8 × 10 to the 9.8 × 5 over 9 × 10 की पावर -8, और इसको जब मैं पूरे को सॉल्व करूंगा तो यह आएगा 4.36 × 10 to the power -7 कूलम। तो पिथ बॉल बी को जो हमें चार्ज देना होगा, राइट, इस बी को जो हम चार्ज देंगे वो चार्ज कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड 4.36 × 10 to the power -7 कूलम। और इसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो उसका नेचर मैंने आपको पहले बताया कैसा होगा, ये पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इसको स्टेशनरी रखना है हमें पिथ बॉल को, तो उसके लिए इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। तो ये हमारे पास बहुत सिंपल सा पहला एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कूलम्स लॉ पे बेस्ड, इज इट क्लियर, राइट। तो हमारे पास यहां पे सेकंड एग्जांपल है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइजेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, चार्ज ऑन ईच इज 6.5 × 10 to the power -7 कूलम, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, राइट। बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि हमारे पास टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, राइट, ए एंड बी, क्लियर है, एंड दोनों पे हमें चार्ज गिवन है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको गिवन है, तो इजिली हम कूलम्स लॉ से एक स्फीयर दूसरे स्फीयर पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसको हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट केसेस को हम देखते हैं, यहाँ पे टू केसेस में हम इस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, तो केस फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है, दिस इज केस फर्स्ट, यहाँ पे बना लेते हैं कि हमारे पास टू आइडेंटिकल स्पीयर्स है, स्पीयर ए एंड स्पीयर बी, राइट, दिस इज स्पीयर ए एंड दिस इज स्पीयर बी, दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज 50 सेंटीमीटर, लेट मान लेते हैं इस पे चार्ज है क्यू वन और ये कितना गिवन है 6.5 × 10 to the power -7 कूलम, और इस पे क्यू टू चार्ज लेता हूँ दैट इज 6.5 × 10 to the power -7 कूलम, इज इट क्लियर। दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है और दोनों वैक्यूम में हमने प्लेस किए हुए, राइट, मीन्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये कौन से मीडियम में है। तो स्पीयर ए स्पीयर बी पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा हम इजीली निकाल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कि फोर्स बिटवीन देम दैट इज एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R² राइट। इस पूरे की वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10 to the power 9 Q1 आपको गिवन है 6.5 × 10 to the power -7, Q2 आपको पता है 6.5 × 10 to the power -7 एंड आर आर आपके पास है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसलिए इसे लिखेंगे 10 to the power -2, राइट। सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में, 1 cm = 10 to the power -2 meter, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे आपके पास आएगा 9 × 6.5 × 6.5, 10 की पावर 9 है और 10 की पावर -7 एंड -7 मीन्स क्या होगा, 10 की पावर 14, और 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 10 की पावर 5 ना, तो मीन्स वी विल गेट 10 × 10 की पावर -5 upon 50 मीन्स 50 × 50 × 10 की पावर -4, राइट। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो एक दो जीरो तो यहां से कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर।
क्लियर है इस माइनस टू से, तो और माइनस टू ऊपर जाके हो जाएगा प्लस टू, राइट, तो आएगा 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर 20 यहाँ कैंसिल हो गए, तो माइनस टू ये ऊपर जाएगा तो प्लस टू, तो मीन्स आएगा माइनस थ्री अपॉन 5 इंटू 5, राइट, एंड 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, राइट, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 9 इंटू 1.3 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन, राइट, मींस ए स्पीयर बी पे या बी स्पीयर ए पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, 1.5 इंटू 10 द पावर माइनस 2 न्यूटन, राइट, कि जब हमने दो स्पीयर्स को फ्री स्पेस में प्लेस किया है तो एक स्पीयर दूसरे पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है दैट इज 1.5 इंटू 10 द पावर माइनस 2 न्यूटन, इज इट क्लियर। नाउ केस टू आते हैं, यहाँ पे हमें गिवन था कि हमारे पास एक थर्ड स्पीयर है सेम साइज का, जो ए और बी जिस साइज के उसी साइज का थर्ड स्पीयर है सी, वो अनचार्ज्ड है, कैसा है अनचार्ज्ड, उसमें कोई चार्ज नहीं है, और उस अनचार्ज्ड स्पीयर को पहले हमने ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ए, पहले ए के साथ कॉन्टेक्ट मिला है, देन बी के साथ कॉन्टेक्ट मिला है, और फिर दोनों से हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो फिर से देन इन दोनों स्पीयर्स के बीच में कितना नया फोर्स होगा आपको ये कैलकुलेट करना है, राइट, तो फर्स्ट आपको ये सोचना है कि जब हम थर्ड स्पीयर सी को यहाँ पे ला रहे हैं तो फोर्स क्यों चेंज होगा दोनों स्पीयर्स के बीच का, राइट, तो इसका आंसर है क्योंकि जब हम अनचार्ज स्पीयर को चार्ज स्पीयर्स के कॉन्टेक्ट में लाएंगे, तो हमने पढ़ा था चार्जिंग बाई कंडक्शन, कि जब हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी में भी सिमिलर काइंड का चार्ज आ जाता है, राइट, मींस यहाँ पे चार्जेस क्या होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जब चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसके कारण फोर्स भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। केस टू हम इसको देखते हैं, राइट, तो केस टू हमारे पास है कि फर्स्ट हमारे पास स्पीयर ए था, ए पे चार्ज आपको गिवन है 6.5 इंटू 10 द पावर माइनस 7, तो लेट मान लेता हूं कि Q1 मैंने कंसीडर किया था और जस्ट किसके इक्वल है, Q के इक्वल, राइट, सेकेंड हमारे पास एक सेम साइज का अनचार्ज स्पीयर है, उसको हमने A के कॉन्टेक्ट में लाए, राइट, दिस इज अनचार्ज स्पीयर C, इज इट क्लियर, तो ये अनचार्ज था, इसको हम चार्ज स्पीयर के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो इस चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर होंगे बाय कंडक्शन, और तब तक होते जाएंगे, राइट, कि जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो बॉडी सेम साइज की होती है तो उनमें जो चार्जेस होते हैं वो इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मींस कि जब मैं इस सी को ए से रिमूव करूंगा तो रिमूव करने के बाद ए पे चार्ज आ जाएगा क्यू बाई टू, एंड सी पे भी चार्ज आ जाएगा क्यू बाई टू, मींस जो टोटल क्यू चार्ज था दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ये केवल तभी होता है जब बॉडीज क्या हो, आइडेंटिकल साइज की हो, राइट, अदरवाइज चार्जेज उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो देखो जब हमने अनचार्ज स्पीयर सी को ए के साथ टच कराया और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया तो ए पे भी चार्ज आ जाएगा क्यू बाई टू, एंड सी पे भी क्या हो जाएगा क्यू बाई टू, मीन्स जो ये चार्ज था 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 ये दोनों में आधा आधा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ सेकेंड था कि हमने इस सी को स्पीयर बी के साथ कॉन्टेक्ट कराया, राइट, तो स्पीयर बी पे ऑलरेडी कितना चार्ज है, 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7, मींस स्पीयर बी पे चार्ज है क्यू, राइट, और नाउ स्पीयर सी पे कितना चार्ज आ चुका है, क्यू बाई टू, तो मैंने इस सी को बी के साथ कॉन्टेक्ट कराया और इस पे चार्ज आ गया क्यू बाई टू, राइट। नाउ जब बी को हम सी के साथ कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो अगेन यहाँ पे चार्जेस क्या होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और दोनों का साइज सेम है इसलिए जब हम दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो दोनों बॉडीज में इक्वल अमाउंट में चार्ज आ जाएगा, तो सेपरेट करने के बाद बी पे जो चार्ज बचेगा दैट इज, देखो टोटल चार्ज कितना होगा दोनों में, क्यू एंड क्यू बाई टू, मीन्स क्या क्या हो जाएगा ये 3q/2, और उसका आप क्या हो जाएगा 3q/4, तो बी पे चार्ज आ जाएगा 3q/4, एंड सी पे भी जो चार्ज आएगा दैट इज 3q/4,
एंड क्यू आप समझ रहे हैं किसके इक्वल है, क्यू है 6.5 इनटू 10 माइनस 7, राइट। तो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि पहले हमने अनचार्ज स्फीयर सी को ए से टच कराना है, फिर उस सी को हमने बी से टच कराना है और दोनों से रिमूव कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमने अनचार्ज स्फीयर सी को ए से टच कराया तो ए पे कितना चार्ज बचा, क्यू बाई टू, और जब बी से टच कराया तो बी पे कितना चार्ज रह गया, 3q/4, राइट। तो मींस चार्जेस यहां पे क्या हो गए, चेंज हो गए, जिसके कारण फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ न्यू फोर्स क्या आएगा हमारे पास, देखो दैट इज कंडीशन ये पे वही है, ये फर्स्ट स्फीयर ए है उस पे चार्ज है q/2 एंड इससे 50 सेंटीमीटर पे एयर में दूसरा स्फीयर है बी जिसपे चार्ज कितना रह गया, 3q/4। नाउ इन दोनों के बीच में कितना फोर्स आएगा, तो दैट इज एफ इक्वल्स टू फॉर्मूला सेम है 1/4π एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो एफ इक्वल्स टू 1/4π इसको ऐसे ही रहने देते हैं एप्सिलॉन नॉट q1 q1 किसके बराबर होगा, a पे जो चार्ज है दैट इज q/2 एंड q2 मींस b पे जो चार्ज है तो कितना रह गया था, 3q/4 ओवर r स्क्वायर, राइट। या इसको सॉल्व करते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट, देखो कितना आ गया 3 और 4 2 8, तो मींस यहां पे मैं क्या कर लेता हूं 3/8 अलग से लिख लेता हूं, 3 यहां से आया 4 2 8 यहां से आया और बाकी यहां देखो q/q q² / r² राइट। तो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो यही रिजल्ट है, देखो q1 मींस क्या था q2 मींस क्या था q, तो q1 q2 मींस q² / r² और ये क्या आ गया 1/4π ε मींस ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है और ये सॉल्व करके कितना आया था 1.5 × 10⁻²। तो मींस जो नया फोर्स आएगा दैट इज 3.8 और इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं यहां पे, राइट, दैट इज 1.5 × 10⁻², राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आने वाला है 5.7 × 10⁻³ न्यूटन, राइट। तो जो नया फोर्स होगा दैट इज 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये बहुत ही सिंपल एक अच्छा एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन भी आ गया कि हमने अनचार्ज बॉडी को जब चार्ज बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाए तो अनचार्ज बॉडी में भी क्या हुए, चार्जेस शेयर हुए जिसके कारण फोर्स क्या हो गया वहां पे, चेंज हो गया, राइट। कूलम्स लॉ से ही रिलेटेड हम एक टॉपिक आगे पढ़ते हैं, दैट इज फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या हम इसको बोल सकते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कूलम्स लॉ पे ही बेस्ड है, राइट। कि जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे क्या करता है, एक फोर्स एग्जर्ट करता है, ये फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है, राइट। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास एक स्पेस है, एक ऐसा रीजन है जहां पे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, राइट, ये चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो प्रत्येक चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, दूसरे चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो एक रीजन है जिस रीजन में बहुत सारे चार्जेस हैं और आपसे पूछा जाए कि उन बहुत सारे चार्जेस में से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर हम उस फोर्स को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल या फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, राइट। तो देखो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये आपको दे रहा है कि इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एग्जर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, राइट। कि मींस अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है, सपोज मान लेते हैं एक रीजन है यहाँ पे q1 चार्ज है, q2 चार्ज है, -q3 चार्ज है, यहाँ पे q4 चार्ज है, तो आपके पास गिवन है यहाँ पे देखो 4 चार्जेज हैं, राइट। प्रत्येक चार्ज क्या करेगा, दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, इज इट क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि q2 चार्ज पे टोटल कितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो देखो q2 चार्ज पे q1 भी एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, देखो मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। लेट मान लेते हैं कि q1 ने q2 पे कितना फोर्स एग्जर्ट किया, दैट इज F21, राइट। देखो ये Q3 जो माइनस का चार्ज है ये भी इस Q2 पे क्या करेगा, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो लेट मान लेते हैं Q3 ने Q2 पे कितना फोर्स एग्जर्ट किया, दैट इज F23, राइट, ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा। इसके सराउंडिंग में देखो ये Q4 है, तो Q4 पॉजिटिव है, ये Q2 भी पॉजिटिव है,
तो ये क्यूट फोर क्या करेगा, इस क्यू टू को एक रिपल्सल के फोर्स, इस एक फोर्स से रिपल करेगा, दैट इज एफ टू फोर, राइट, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल थ्री फोर चार्जेस थे और हमें क्यू टू पे टोटल फोर्स निकालना है, तो क्यू टू पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, थ्री फोर्सेज, एफ टू वन, एफ टू थ्री एंड एफ टू फोर, राइट। तो क्यू टू पे जो टोटल फोर्स होगा, ये जो अदर चार्जेस हैं, राइट, ये जो अदर चार्जेस इस पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, इन फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा, मींस टोटल फोर्स ऑन क्यू टू जो होगा, दैट इज एफ इक्वल्स टू एफ टू वन प्लस एफ टू थ्री प्लस एफ टू फोर, राइट। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मींस कि अगर हमारे पास एक रीजन में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं और हमें किसी पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो उस पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स होगा, उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस हैं, वो चार्जेस उस पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स एग्जर्ट करेंगे, उन फोर्सेस के वो वेक्टर सम के इक्वल होगा, राइट, एंड दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये जैसा आपको दिख रहा है कि सिंपली एड किया है, बट ये ऐसा नहीं, ये होगा वैक्टर सम जो हमने 11th पे पढ़ा है, तो ये हम समझेंगे अभी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वन मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे क्यू वन क्यू टू, मैंने आप देखा कि क्यू वन पॉजिटिव है, क्यू टू भी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्यू वन क्यू टू पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ये फोर्स था एफ टू वन, ये एफ टू वन क्यू फोर या क्यू थ्री या whatever जो चार्जेस यहाँ पे होंगे, उन चार्जेस की प्रेजेंस से इस F21 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, राइट, मींस Q1 Q2 पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, वो फोर्स चेंज नहीं होगा अदर चार्जेस के प्रेजेंस के कारण, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड By the presence of other charges, is it clear? तो इस superposition principle को हम एक example से समझते हैं यहाँ पे, right? आपको ज़्यादा clear हो जाएगा। बहुत ही simple सा एक example ले लेते हैं। इस पे बहुत ही अच्छे-अच्छे numericals हैं इस principle पे। तो एक example से आप इसको समझते हैं। Let मान लेते हैं कि we have a equilateral triangle। हमारे पास एक equilateral triangle है। और इसके वर्टिसेस पे हमने थ्री आइडेंटिकल चार्जेस को प्लेस किया है, राइट, यहाँ पे मैं माइनस क्यू ले लेता हूं और इधर प्लस क्यू और यहाँ पे भी प्लस क्यू, राइट, ए बी एंड सी, थ्री वर्टिसेस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड एल ले लेता हूं, राइट, और आप देख सकते हैं कि इनके तीनों वर्टिसेस पे मैंने थ्री जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उन चार्जेस को प्लेस किया है, दो पॉजिटिव है और एक क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने चार्जेस हो गए, थ्री चार्जेस, राइट, और आपसे अब पूछा जा सकता है कि ट्रायंगल के किसी भी वर्टिसेस पे जो चार्ज हमने रखा हुआ है, उस चार्ज पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को आप कैलकुलेट करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं कि ए वर्टिसेस पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो प्लस क्यू चार्ज पे टोटल कितना फोर्स लगेगा, हमें इस फोर्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे कि इस क्यू चार्ज के सराउंडिंग में और कितने चार्जेज है, जैसे कि मुझे इस क्यू पे टोटल फोर्स निकालना है ए पे, राइट, तो इसके सराउंडिंग में कितने चार्जेज है, पहले मैं वो देख लेता हूं। तो इसके सराउंडिंग में कितने चार्जेज है, टू चार्जेज, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इस क्यू पे केवल टू फोर्स लगेंगे, राइट, क्योंकि इसके सराउंडिंग में कितने चार्जेज हैं, टू फोर्सेज हैं। तो अब हम उन फोर्सेस को यहाँ पे डिनोट करेंगे, राइट, इनको यहाँ पे शो करते हैं। तो देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। आपको बताया कि कूलम्स फोर्स क्या है, एक सेंट्रल फोर्स, राइट, सेंट्रल फोर्स मीन्स कि कूलम्स फोर्स हमेशा दो चार्जेज को जो लाइन ज्वाइन करती है, इसी लाइन के अलोंग होगा। तो ये बी वर्टिसेस पे रखा हुआ चार्ज इस ए को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मींस ये चार्ज इस पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, राइट, कि दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग। तो लेट मान लेते हैं कि बी पे जो चार्ज रखा है, वो चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है, दैट इज एफ ए बी,
FAV means force on charge Q due to this charge Q, right? Now यहाँ पे दूसरा चार्ज देखो माइनस क्यू, तो माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसे अपनी तरफ के लिए अट्रैक्ट करेगा, राइट? तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स होगा, तो वो भी एक सेंट्रल फोर्स है, तो इस सी इस क्यू पे अपनी तरफ के लिए एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, दैट इज एफ ए सी मींस फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू दिस चार्ज सी, राइट? इज इट क्लियर? तो देखो इस क्यू पे टोटल हमें पता है कि दो फोर्स लग रहे थे क्योंकि इसके सराउंडिंग में केवल दो चार्जेस थे और उन दोनों फोर्सेस को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, एक फोर्स हो गया एफ ए बी और दूसरा फोर्स हो गया एफ ए सी, इज इट क्लियर, राइट? नाउ हम एफ ए बी और एफ ए सी को कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो फर्स्ट ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि एफ ए बी क्या है, यहाँ पे व्हाट इज एफ ए बी, तो एफ ए बी है फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट वर्टिसेस A ड्यू टू चार्ज Q प्लेस्ड एट वर्टेक्स B, राइट? कि देखो इस वर्टेक्स पे जो हमने चार्ज रखा है Q, इस Q के कारण A पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज एफ ए बी, राइट? और एफ ए बी की वैल्यू क्या होगी आप देख सकते हैं, दैट इज के, के मींस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, एंड Q2 वो भी किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, तो K Q Q एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है L, L स्क्वायर, तो दैट इज K Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर, That is FAB, right? Now देखो ये C पे जो हमने C vertex पे जो हमने चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज इस A पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा उसको भी निकालते हैं, That is FAC. FAC क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट vertex A ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट वर्टेक्स सी, राइट? कि ये जो सी वर्टेक्स पे हमने जो चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, इसके कारण ए पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स होगा एफ ए सी, दैट इज के क्यू वन, क्यू वन मीन्स क्यू, क्यू टू मीन्स माइनस क्यू, है ना? बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड लेना है, हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, राइट? तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसकी प्लेस में हम लिखेंगे Q एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है L, तो L स्क्वायर, तो दैट इज K Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर, तो दिस इज FAC. तो हमें देख क्या यहाँ पे कि FAB भी कैलकुलेट कर लिया एंड FAC भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, इज इट क्लियर? नाउ हमें टोटल फोर्स निकालना है, तो टोटल फोर्स क्या होगा क्यू पे, इन दोनों फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल, राइट? हियर आपको दिख रहा है देखो एफ ए बी एंड एफ ए सी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, कि हियर हमें नजर आ रहा है एफ ए बी इक्वल्स टू एफ ए सी, राइट? नाउ टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू, राइट, जो कि कहां पे प्लेस्ड है, ए वर्टेक्स पे, इसलिए मैंने ए यहां ब्रैकेट में लिख लिया, राइट? तो दैट इज एफ इक्वल्स टू एफ ए बी प्लस एफ ए सी, कि इस पे जो टोटल फोर्स होगा वो जो अलग अलग फोर्स लगे थे इंडिविजुअल फोर्स, उन इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा, मींस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने F equals to FAB plus FAC तो लिख लिया है, बट जैसा दिख रहा है वैसा आपको नहीं है, means suppose for example मैं बोलता ये 3 न्यूटन होता और ये 2 न्यूटन होता और आपसे बोला जाता कि Q पे टोटल फोर्स कितना है, तो आप लिखते हैं कि 2 plus 3 means क्या होता है 5 न्यूटन, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत होता, राइट? क्योंकि आपको पता है कि फोर्स एक वैक्टर क्वान्टिटी है, राइट? एंड वेक्टर क्वांटिटी को हम सिंपल मैथ की तरह सॉल्व नहीं कर सकते, हम इन्हें सिंपल ऐड नहीं कर सकते, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन्हें ऐड करने के या सबट्रैक्ट करने के कुछ स्पेशल मेथड होते हैं, राइट?
तो यहां पे आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर हमारे पास टू वैक्टर्स अलग से है, इस क्वेश्चन से अलग से आपको ध्यान रखना है कि टू वैक्टर्स ए एंड बी, ये आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है कि अगर टू वैक्टर्स, जैसे मान लेते हैं वैक्टर ए एंड वैक्टर बी है, ये अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम इनको सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज ए प्लस बी, राइट। पहले ये अपने माइंड में ध्यान रखना है। दूसरा, अगर टू वैक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, कि भाई वैक्टर ए एंड बी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके डिफरेंस के इक्वल होगा, दैट इज वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी और वैक्टर बी माइनस वैक्टर ए भी हो सकता है। जो भी बड़ा वैक्टर होगा बड़े वाले में से हम छोटे को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इज इट क्लियर। या दोनों इक्वल होते तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, राइट। तो दूसरा पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है इस क्वेश्चन को करने से पहले, इफ टू वैक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन दे कैन बी एडेड, इफ टू वैक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन दियर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू दियर डिफरेंस, बड़े वाले में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वो ए माइनस बी भी हो सकता है और बी माइनस ए भी हो सकता है, इज इट क्लियर, क्लियर है। नाउ अगर इन दोनों को छोड़ के हमारे पास तीसरा वैक्टर हो कि दो वैक्टर्स एक दूसरे से कुछ एंगल पे हो, ए और बी, जैसा आपको दिख रहा है कि ना तो ये सेम डायरेक्शन में है और ना ही ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, राइट, थीटा। तो ए और बी को जो एड करने का जो मैथड होगा वो हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, थीटा क्या होगा, दोनों वैक्टर्स के बीच का एंगल। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सबट्रैक्ट, बट अगर इन कंडीशंस को छोड़ के कोई अदर कंडीशंस आ जाए, कुछ भी एंगल पे हो जाए, तो तब हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का अंडर रूट, राइट। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका रिजल्टेंट। और देखो, जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब दो वैक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वैक्टर की डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स को जहां से हमने ड्रॉ किया है वहां से उसके कॉमन जो डायगोनल होगा, उस डायगोनल के अलावा क्या होगा, इनका रिजल्टेंट, इज इट क्लियर। तो ये चीजें आपको, ये तीनों पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं, राइट, इस क्वेश्चंस को करने से पहले या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को करने से पहले, क्योंकि यहां पे हमें जो फोर्स का सम लेना है वो कैसा होगा, एक वेक्टर सम होगा, और वेक्टर क्वांटिटीज को हम इन तरीकों से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इज इट क्लियर। नाउ देखते हैं कि यहां पे आपको नजर आ रहा है कि क्यू पे जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स एक एफ ए बी है और दूसरा क्या है, एफ ए सी, राइट, और दोनों फोर्स न तो अपोजिट डायरेक्शन में और नहीं वो सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, राइट। आपको दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 होगा, ये भी 60, तो पूरा 180 डिग्री था, तो इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, राइट। तो जो टोटल फोर्स होगा एफ, दैट इज हो जाएगा अंडर रूट एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस टू एफ ए बी एफ ए सी कॉस थीटा, थीटा क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल, राइट। या आप अलग से बना सकते हैं, यहां पे एक कंडीशन आ गई थी कि इस डायरेक्शन में हमारे पास आ गया एफ ए सी ये वेक्टर, और इस डायरेक्शन में हमारे पास आ गया एफ ए बी, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 120 डिग्री। तो एफ ए बी एंड एफ ए सी टू वेक्टर है और वो दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, राइट। तो बड़े इजिली हम निकाल सकते हैं, एज आपको दिख रहा है कि एफ ए बी और एफ ए सी क्या है, यहाँ पे इक्वल है, तो हम लेते हैं कि लेट एफ ए बी इक्वल टू एफ ए सी इक्वल टू पी, मैंने कंसिडर कर लिया है, राइट। तो देखो हमारे पास जो एफ आएगा दैट इज पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी इंटू पी कॉस थीटा, थीटा कितना है, 120 डिग्री, राइट। तो रिजल्ट आ जाएगा पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस
1 by 2, राइट क्लियर है। कॉस 120 आप देख सकते हैं कि कॉस 120 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 क्या होगा माइनस साइन 30, राइट। और साइन 30 की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, कॉस 120 कितना हो गया हमारे पास माइनस 1 बाई 2, राइट। तो अलग से आपको ध्यान रखना है दैट इज 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया माइनस पी स्क्वायर, तो 2 पी स्क्वायर से माइनस पी स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा राइट। जो रिजल्ट होगा दैट इज एफ इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर एंड एफ इक्वल्स टू पी, और पी किसके इक्वल था एफ ए सी एंड एफ ए बी, और ये किसके इक्वल है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आप लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, राइट। तो इस क्यू पे जो टोटल फोर्स होगा दैट इज के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, और अगर आपसे फोर्स की डायरेक्शन पूछी जाए तो कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा एफ को, इज इट क्लियर राइट। तो देखो इस तरीके से हम क्यू पे जो टोटल फोर्स लग रहा था उस फोर्स को हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इट क्लियर राइट। तो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता है इस माइनस क्यू पे टोटल फोर्स कितना हो रहा है तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं बहुत जल्दी से कि देखो माइनस क्यू इसके सराउंडिंग में कितने चार्ज है 2 चार्जेस, तो मींस इस क्यू पे भी कितने फोर्स लगेंगे 2 फोर्सेस लगेंगे। ये प्लस क्यू क्या करेगा इस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा दैट इज एफ सी ए, प्लस क्यू इस सी पे एक फोर्स लगाएगा दैट फोर्स इज एफ सी ए फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू। सिमिलरली ये प्लस क्यू भी इस माइनस क्यू को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, सेंट्रल फोर्स है इसलिए फोर्स की डायरेक्शन हमेशा दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी के अलोंग होगा राइट दैट इज एफ सी बी। तो देखो इस माइनस क्यू पे भी दो फोर्स लग रहे हैं एफ सी ए एंड एफ सी बी राइट, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है सेम है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि एफ सी ए इक्वल टू क्या होगा एफ सी बी राइट, दोनों फोर्स सेम होगा किसके इक्वल होगा के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, इज इट क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दोनों फोर्स ना तो सेम डायरेक्शन में और नहीं वो अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल बना रहे हैं। तो इस बार जो एंगल आपको दिख रहा है दैट इज 60 डिग्री, कि दोनों फोर्स एक दूसरे से कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे। तो इस सी पे जो टोटल फोर्स होगा दैट इज एफ इक्वल्स टू एफ डैश ले लेता हूं दैट इज एफ सी ए का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए एफ सी बी कॉस थीटा राइट। और जल्दी से हम इसको करते हैं तो एफ डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो इन दोनों की वैल्यू सेम है ना, इसको पी कंसिडर कर सकता हूं तो दैट इज पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर पी इंटू पी पी स्क्वायर कॉस 30 डिग्री राइट सॉरी कॉस 60 डिग्री, इज इट क्लियर। और ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर एंड कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 2 पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर दैट इज 3 पी स्क्वायर, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा रूट 3 इंटू। तो यहाँ पे जो C पे जो फोर्स लगेगा दैट इज दैट फोर्स इज एफ डैश एंड रूट 3 पी, पी किसके इक्वल है के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो देखो इस क्यू पे जो टोटल फोर्स लग रहा था दैट इज के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, और इस माइनस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज रूट 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर इंटू एल अपॉन एल स्क्वायर राइट। तो यहाँ पे फोर्स थोड़ा सा चेंज आ गया क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया यहाँ पे बदल गया, यहाँ 120 डिग्री था यहाँ पे क्या था 60 डिग्री। सिमिलरली देखो हम इस क्यू पे भी फोर्स निकाल सकते हैं, इस क्यू पे भी कितने फोर्स लग रहे होंगे क्योंकि इसके सराउंडिंग में भी कितने चार्जेस हैं 2 चार्जेस, तो इस पे भी 2, इस क्यू पे भी 2 फोर्सेस लगेंगे, ये प्लस का है ये प्लस का है, तो ये प्लस वाला इसको क्या करेगा रिपेल करेगा रिपल्सन का फोर्स दैट इज एफ बी ए, ये माइनस क्यू है माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा तो दैट इज एफ बी सी राइट, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 120 डिग्री। तो इस Q और इस Q पे जो फोर्स होगा दैट विल बी सेम, इज इट क्लियर, ओनली यहाँ वाले वर्टेक्स पे जो चार्ज है उस पे जो फोर्स होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल राइट, और आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे यूज करना है, ये भी ध्यान रखना है
कि जैसे क्यू, इस क्यू पे जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स सेंट्रल फोर्स है, दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी इसी लाइन के अलोंग होगा, ऐसा नहीं होगा कि क्यू ने क्यू पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, राइट राइट क्लियर है, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो दिस इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो हम इस पे बेस्ड और भी एग्जाम्पल्स करेंगे, राइट। थैंक यू।